स्टूडेंट्स, मैं मुझे नहीं कहती, मैं खुश हूं कि प्राइवेट क्लासेस के ग्रेड 2 में जनाब हमारी इंग्लिश में लर्निंग चल रही है कॉन्वर्सेशन की, और कॉन्वर्सेशन की कोर्स बुक की, ये जो बुक है आपकी, ये कोर्स बुक है, और इस कोर्स बुक की हमारी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज की जो कि लास्ट होती है किसी भी कोर्स बुक में, यूनिट में और किसी भी लेसन में, और उसकी एक्सरसाइज ई में कॉम्पोजिशन होती है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ वर्डिंग, कुछ पैराग्राफ या फिर राइटिंग करनी होती है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कहा गया है, व्हाट इट इज से टू ईच अदर, यूज योर ओन वर्ड्स टू कंप्लीट अ कॉन्वर्सेशन, यानी आपने ये जो पोएम पढ़ी थी कैट की और माउस की, ये आपने पोएम के स्टाइल में पढ़ी थी, अब इनकी कुछ कॉन्वर्सेशन आपकी बुक में दी गई है। हेलो कैट कह रहे थे हेलो माउसी, यानी ये कैट के डायलॉग है, हेलो माउसी, तो माउस ने बोला हेलो मिस्टर कैट। इसके बाद एक कैट ने कहा टेल मी माउसी वेयर इज योर, इसके आगे अब आपने अपनी खुद से कॉन्वर्सेशन बनाया, तो कैट ने माउस से पूछा वेयर इज योर हाउस, तो माउस ने उसको आंसर किया इट इज नियर द किचन, कि मेरा घर किचन के करीब है। कैट आई कम टू योर हाउस, कैट कहते हैं मैं तुम्हारे घर आता हूँ, तो माउस ने बोला नो आई एम बिजी टुडे, वो कह रहे नहीं तुम आज मत आओ मैं बिजी हूँ। फिर कैट कहता है ओके व्हाट अबाउट नेक्स्ट डे, कैट ने पूछा कि अच्छा ठीक है आज तो तुम बिजी हो, नेक्स्ट डे के बारे में बताओ कि मैं नेक्स्ट डे आ सकता हूँ। माउस कहता है आई विल नॉट एट होम, मैं नेक्स्ट डे भी घर पे नहीं हूँ, मैं तो कहीं काम से निकला हुआ हूँ। तो कैट कहता है ओ देन आई विल कम एनी ऑन एनी अदर डे, फिर कैट ने बोला कि ओ, यानी कि कैट को बहुत अफसोस हुआ कि वो अगले दिन भी नहीं जा सकता। फिर कैट कहता है ओके फिर मैं किसी और दिन आ जाऊंगा, ठीक है। ये इनकी आपस में कॉन्वर्सेशन थी, कि दोबारा से हम देख लेते कि कैट कहता है माउस से हेलो माउसी, फिर माउस कैट को हेलो करते हैं, फिर कैट कहती है कि माउस वेयर इज योर हाउस, कि तुम्हारा हाउस कहाँ है, तो माउस कहते हैं कि नहीं आता किचन, किचन के करीब है। फिर कैट कहते हैं कि आई कम टू योर हाउस, मैं तुम्हारे हाउस में आता हूँ, आना चाहता हूँ, तो माउस कहता है नो आई एम बिजी टुडे, कि मैं बिजी हूँ। फिर कैट कहता है ओके व्हाट अबाउट द नेक्स्ट डे, कैट कहता है कि अच्छा तुम ठीक है तुम आज बिजी हो लेकिन मैं कल आ जाऊंगा नेक्स्ट डे, तो माउस कहता है आई विल नॉट एट होम, कि मैं इस वक्त घर में नहीं हूँ। फिर कैट कहते हैं ओ उसको अफसोस होता है, ओ जब हम किसी उसमें अफसोस होता है या हमको एकदम से अचानक आ जाए अनएक्सपेक्टेड हो हमें, तो हम वो कहते हैं फिर देन आई विल कम ऑन एनी अदर डे, कि मैं किसी और दिन आ जाऊंगा, ठीक है। ये थे हमारे डायलॉग्स थे इनके आपस में, जो इन लोगों ने आपस में बातचीत की, जो कि वही सारी बातचीत है जो हमने पोएम में पढ़ी थी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, ये हमारी जो एक्सरसाइज थी कॉन्वर्सेशन की पोएम में ये कंप्लीट हो गई। आप देख सकते हैं कि हमने इस पोएम को रीड किया था, इसको स्टडी किया था, इसको एक्सप्लेन किया था, फिर हमने इसकी सारी एक्सरसाइजेस की, और टुडे वी विल कंप्लीट दिस पोएम एक्सरसाइजेस, पोएम की सारी हमने एक्सरसाइजेस कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्लास में वर्कबुक करेंगे, दिस वन इज कोर्स बुक, अब हम वर्कबुक में इसकी एक्सरसाइजेस देखेंगे कॉन्वर्सेशन में, कि वर्कबुक में क्या पूछा गया और क्या बताया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जब तक आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके साथ साथ आपने उसका बहुत सारा ख्याल रखना है, और लाजमी सी बात है कि आपने इस वीडियो को बार बार देखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने क्या समझा है क्या पढ़ा है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।